हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमजा महमूद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हमजा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं टॉप 5 कंप्यूटर ट्रिक्स। जी हां दोस्तों, टॉप 5 कंप्यूटर ट्रिक्स। जी हां, इससे पहले आपने ये ट्रिक्स नहीं देखी होंगी, मैं आपको दावे से कहता हूं। अगर आप उनमें से किसी को इसके बारे में पता है तो कोई एक आधे को पता होगा, 99% ये ट्रिक्स के बारे में आपको नहीं पता होगा। तो आइए जानते हैं कि ये कौन सी ट्रिक है। दोस्तों, सबसे पहली हमारी यहाँ पर ट्रिक है, मैंने ये सारी ट्रिक्स के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो आपको ये नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो हमारा पहला है देयर आर सम एक्सटेंशन। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब ये है कि दोस्तों, ये आप फोर नेम मेरे देख सकते हैं यहाँ नोट्स पे। तो अब ये फोर नेम क्या कर सकते हैं दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर चैलेंज देता हूँ कि इन फोर नेम में से कोई एक नेम का फोल्डर मुझे क्रिएट करके तो दिखा दो। अगर आपने क्रिएट करके दिखा दिया तो नीचे कमेंट करके मुझे बता देना और मैं आपको दूंगा पूरे के पूरे 1000 रुपये। जी हाँ, आप 1000 रुपये भी इस वीडियो से जीत सकते हो, लेकिन मैं आपको चैलेंज करता हूँ और आप भी आगे चैलेंज कर सकते हो कि इसके जैसे कोई भी नाम नहीं दे सकता, इन नामों में से एक भी नाम नहीं दे सकता फोल्डर को। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर जस्ट एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने फोल्डर एक क्रिएट किया और इसको ये नाम देने की कोशिश की है तो ये नाम नहीं दिया, तो ये देख ले। और दूसरा नाम है NUL, तो दोस्तों मैं यहाँ पर NUL लिखता हूँ तो ये देख सकते हैं कि इसने ये भी नहीं लिया। अब मैं इस पर लिखता हूँ PRN, तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं इसने ये भी नहीं लिया। AUX, तो दोस्तों ये देख लीजिए, फोर नेम थे, फोर नेम में से इसने कोई भी नाम नहीं लिया। तो है ना ये अमेजिंग ट्रिक। तो इसके साथ साथ हमारी दूसरी जो ट्रिक है वो है मेक योर कंप्यूटर स्पीकिंग एंड फाइंड योर कंप्यूटर जनरल। तो दोस्तों, इसका ये मतलब है कि आपका कंप्यूटर मेल है या फीमेल है, ये आपको कैसे पता चलेगा। जस्ट इसके लिए दोस्तों आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी, तो उसका नाम है स्पीकिंग सॉफ्टवेयर। ये मैंने खुद बनाया सॉफ्टवेयर, ये बहुत ही कमाल का सॉफ्टवेयर है, ये आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा, तो ये आपको खुद बनाना पड़ेगा। ये किस तरीके से बनाते हैं ये मैं आपको भी बताता हूँ, तो इसका इस्तेमाल आप सीख लीजिए। मैंने सॉफ्टवेयर को कर लिया ओपन और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि आपको आवाज़ आएगी ओके करने पर। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि आपको अभी अभी आवाज़ आई है हेलो, तो मेरा कंप्यूटर फीमेल है, मेल नहीं है, तो ये मुझे पता चल गया। है ना कमाल की ट्रिक। तो ये आप कैसे बना सकते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये आपने यहाँ पर सिर्फ एक नोट तैयार करना है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक न्यू नोट बना लेता हूँ। तो जैसे ही मैं ये न्यू नोट बनाता हूँ तो ये आप देख सकते हैं ये मेरा न्यू नोट आ गया। तो मैं यहाँ पर कुछ भी रैंडमली लिख देता हूँ, लेकिन यहाँ पर आपने कुछ भी रैंडमली नहीं लिखना, यहाँ पर आपने कमांड लिखनी है। वो कमांड मेरे पास है लेकिन अभी थोड़ी सी ना मेरे से डिलीट हो गई थी, तो मैं उसे दोबारा तैयार कर रहा हूँ। तो वो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको कमेंट में दे दूंगा। तो वो कमांड आपने यहाँ पर पेस्ट कर देनी है, पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पर सेव एज पे क्लिक करना है। सेव एज पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा स्पीकिंग डॉट वी बी एस। दोस्तों आपने जस्ट ये लिखना है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये मेरा सॉफ्टवेयर यहाँ पर बन गया। तो दोस्तों, ये कुछ इसी तरीके से आप इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं, ये आपने सॉफ्टवेयर बनाया, आप इसका कोई भी नाम रख सकते हैं। ये देख लीजिए, मैंने कमांड गलत डाली थी, मतलब कमांड नहीं आई थी तो ये नहीं चला, लेकिन जो मैं आपको कमांड दूंगा उससे आप इस तरीके का ही सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। सॉफ्टवेयर बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया, तो मैं आपको रैंडमली ये दोबारा बता देता हूँ। आपने जो मैं कमांड कमेंट में नीचे दूंगा, आप जब कमेंट करेंगे तो मैं आपको नीचे कमेंट में दे दूंगा कमांड, तो आपने वो कमांड यहाँ पर पेस्ट कर देनी है और यहाँ पर सेव एज पर जाना है। सेव एज पे जाने के बाद आपने सॉफ्टवेयर का नाम रख देना है, तो मैं अपना ही नाम रख देता हूँ सॉफ्टवेयर का भी, और आपने डॉट के बाद वी बी एस लिखना है। वी बी एस लिख के जैसे ही आप सेव करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमजा नाम से भी वो सॉफ्टवेयर तैयार हो गया। तो ये आपने वही कमांड डालनी है जो मैं आपको नीचे कमेंट में दूंगा, इसके अलावा आपने कोई भी नहीं डालनी, और आप अपने जनरल मालूम कर सकते हैं कि आपका जनरल क्या है। तो है ना ये कमाल की ट्रिक। तो दोस्तों आइए हम अपनी तीसरी ट्रिक की तरफ जाते हैं। तो हमारी तीसरी ट्रिक है क्या, तो ये आप देख सकते हैं हमारी तीसरी ट्रिक है टर्न योर स्पेस अप एंड डाउन।
तो दोस्तों इससे होगा क्या, दोस्तों आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और आल्ट के बटन को दबा लीजिए और आप अपने राइट लेफ्ट और अप एंड डाउन बटन में से कोई एक दबा लीजिए। मैं अप के बटन को अगर दबा देता हूँ तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि मेरी स्क्रीन अप है और ये पहले से ही अप थी। अगर मैं कंट्रोल और आल्ट के बटन को दबा कर डाउन के बटन को दबाता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि मेरी स्क्रीन डाउन हो गई है। तो है ना ये कमाल की ट्रिक। अगर मैं कंट्रोल आल्ट को दबा के अपने राइट बटन को दबाता हूँ तो ये मेरी स्क्रीन राइट की तरफ मुड़ जाएगी। तो है ना ये अमेजिंग ट्रिक। तो अगर मैं कंट्रोल आल्ट दबा के अप के बटन को दबाता हूँ तो ये मेरी स्क्रीन वापस से नॉर्मल हो गई, मतलब सीधी हो गई। तो ये थी हमारी तीसरी ट्रिक, बहुत ही अमेजिंग। तो हमारी चलते हैं चौथी ट्रिक की तरफ, टैब रीओपन। जी दोस्तों, टैब रीओपन का मतलब है क्या? दोस्तों मैं यहाँ से गूगल खोल देता हूँ। तो फर्ज कर लीजिए आपके यहाँ पर काफ़ी सारे टैब्स ओपन हैं। यहाँ पर आपका यूट्यूब ओपन है और यहाँ पर आपका गूगल ओपन है, उसके बाद यहाँ पर आपका और मतलब यहाँ पर जीमेल ओपन है। तो फर्ज कर लीजिएगा आपसे गलती से इसमें से एक टैब हो जाता है डिलीट। तो ये यहाँ पर मैंने अपना जीमेल अकाउंट यहाँ पर लगा दिया है, उसके बाद अगर ये मुझसे डिलीट हो गया, मतलब यहाँ से गलती से कट हो गया, तो ये आप कैसे वापस लेकर आ सकते हैं बिना हिस्ट्री में जाए, बिना अपना टाइम वेस्ट किए? तो ये मैं आपको पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने कीबोर्ड की तमाम कीज़ के बारे में बताया था। तो उसमें मैंने इसके बारे में भी बताया था, मैं इसे आपको दोबारा बता देता हूँ। आपको कंट्रोल शिफ्ट और टी के बटन को दबाना है। तो जैसे ही आप दबाएंगे तो ये आपका जो भी टैब आपने गलती से डिलीट किया है वापस आ जाएगा। है ना ये कमाल की ट्रिक। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा आपको मेरी ये आज की ट्रिक बड़ी पसंद आई होगी। तो हम चलते हैं अपनी लास्ट ट्रिक की तरफ। तो यूट्यूब प्ले फॉर बैक टू JKL, दोस्तों ये बहुत ही यूट्यूब की ट्रिक है कमाल की। तो दोस्तों मैं चला जाता हूँ यूट्यूब पर। YouTube पे जाने के बाद यहाँ पर मैं फर्ज कर लीजिए एक वीडियो देख रहा हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ किसी सॉन्ग का नाम। दोस्तों ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है एक सॉन्ग का नाम, और अगर मैं इस सॉन्ग को पर क्लिक करता हूँ तो ये हो गया हमारी वीडियो प्ले। तो इस वीडियो में ये ट्रिक लगेगी और ये बहुत ही कमाल की ट्रिक है। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल के आइकन को दबा लो, और अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो लाइक नहीं की तो यार लाइक तो बनता है यार, इतनी कमाल की ट्रिक बताई है। तो आप ये देख सकते हैं कि आपको इस वीडियो को पॉज करने के लिए और राइट और लेफ्ट मतलब आगे और पीछे करने के लिए वीडियो को अपने माउस का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन इस ट्रिक की मदद से आप इसका इस्तेमाल नहीं करोगे माउस का। तो आपको जस्ट अप एंड कीबोर्ड की मदद से आप कोई भी मतलब कर सकते हो, वीडियो को आगे कर सकते हो, पीछे कर सकते हो। तो ये बहुत ही मतलब इजी है आपके लिए। तो मैं यहाँ से एक वीडियो को प्ले कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं कि यह 15 मिनट की वीडियो है, 15:58 की। तो अगर मैंने इसको आपने आगे करना है तो मैं इसे आगे कर देता हूँ। तो इसको आगे करने के लिए आपको L के बटन को अगर आप दबाते हैं तो ये 10 सेकंड आगे हो जाएगी, और अगर आप K के बटन को दबाते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि ये पॉज होगी, आपको इसमें माउस का यूज़ नहीं करना पड़ रहा। तो आप जैसे ही J का बटन दबाते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी ये जो वीडियो है 10 सेकंड पीछे होगी। तो मैं वापस K का बटन दबाऊंगा तो ये शुरू हो जाएगी। तो है थी ना ये हमारी कमाल की ट्रिक। तो उम्मीद है कि आपको मेरी आज की 5 ट्रिक्स बहुत ही कमाल की लगी होंगी। तो अगर इसमें से आपको कौन सी ट्रिक ज़्यादा यूज़फुल लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और ये जो फोल्डर की ट्रिक मैंने सबसे फर्स्ट में बताई थी, ये 4 नेम मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से कॉपी कर लीजिएगा और किसी को भी चैलेंज कीजिएगा और मुझे भी बताइएगा कि आप चैलेंज जीते हैं कि नहीं। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप ये चैलेंज जीत गए हैं। तो अगली वीडियो में मैं आपको टाइम कैसे बनाते हैं, मतलब अलार्म क्लॉक कैसे बनाते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो बताऊंगा CMD से आप अलार्म क्लॉक किस तरीके से बना सकते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।